हेलो, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हरे मटर का नमूना बनाएंगे। ये आधा केजी मटर को छीलकर धोकर साफ़ कर लेंगे। एक प्लेट मटर है, इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ढक्कन लगाकर दो विसिल आने तक इसे पकाएंगे। दो विसिल में सॉफ्ट हो जाएगा मटर। दो विसिल आने पर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, ठंडा कर लेंगे मटर को। मटर ठंडा हो गया है, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है दो विसिल में। हाफ मटर को प्लेट में निकाल लेंगे, हाफ मटर को अलग से रखेंगे। ठंडा हो गया है, इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा अलग से बचा कर रखेंगे। एक पैन में तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा, हींग, दो साबुत लाल मिर्च डालेंगे। प्याज डालेंगे बारीक बारीक काट कर, एक मीडियम साइज का प्याज इसे डालेंगे। गोभी डालेंगे, गोभी को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर डालेंगे, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं रखेंगे इसका। गोभी और मटर को साथ में डालकर इसे भून लेंगे। मटर भूनने लगा है, इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालकर इसे भून लेंगे, प्याज और गोभी को गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेंगे। हल्दी पाउडर को डाल के इसे मिक्स कर लिए हैं। हल्दी पाउडर कम लग रहा था, इसे थोड़ा सा और हल्दी पाउडर डाल लिए हैं इसमें। इसमें मसाले डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं। मसाले को डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। एक मिनट भून लेंगे हरी मिर्च और अदरक को। फिर इसमें सूखे मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो बिना सब्जी मसाले का भी बना सकते हैं। सारे मसाले को डालकर इसे मिक्स कर लेंगे, फिर भून लेंगे मसाले को। आप टमाटर को भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। मसाला भून गया है, इसे 1 से 1.5 मिनट इसे भून लिए हैं। इसमें हरे प्याज के पत्ते को डालेंगे। प्याज के पत्ते को डालकर मसाले में मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे इसे भी। 2 से 3 मिनट भूनेंगे प्याज के पत्ते को, सॉफ्ट हो जाएगा प्याज का पत्ता। सॉफ्ट हो गया है ये, इसमें मटर डालेंगे, पीसा हुआ मटर डालेंगे। इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिए हैं बारीक। आप इसे दरदरा भी रख सकते हैं। हम बारीक पीस लिए हैं, इसमें डालकर इसे भी भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट। बहुत ही टेस्टी बनता है मटर का निमोना। आप इसमें आलू भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। मटर को भून लिए हैं, इसमें 2 चम्मच पानी डालकर 1 से 1.5 मिनट और इसे भूनेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अच्छे से भून गया है। इसमें मटर डालेंगे, हाफ मटर को बचा कर रखे हैं उसे डाल लेंगे। मटर को डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। आप अपनी ग्रेवी के अनुसार से मटर को पीस कर इसमें डाल सकते हैं। मटर को डालकर 1 मिनट भून लेंगे। मटर भून गया है, इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे, ग्रेवी के अनुसार से इसमें पानी डालेंगे। ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 5 मिनट हो गया इसे पकाते हुए, ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर का निमोना बनकर तैयार हो गया है। इसे इतना ही पतला रखेंगे, ठंडा होने पे थोड़ा सा थिक हो जाएगा। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। मटर का निमोना बनकर तैयार हो गया है। इसे आप चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू, बाय।